Ganana Granth chapter 11 verse 4 to 15. उनके साथ चलने वाले छोटे लोग स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित हो उठते और इजराइली भी विलाप करने लगे। उन्होंने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त मछली खाते थे, साथ ही कीरा तरबूज गंदना प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता, मन्ना के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गूगल के सदृश था। लोग उससे ओ कली में कूटते थे और बर्तनों में उबाल कर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को उस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को हर परिवार को अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझे पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा बार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझ से कहता है? जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठा कर उस देश ले
जाओ जिससे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहा से मांस ले आऊं। वे विलाप करते हुए मुझे से कहते ले हमने खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। मैं यह बार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझ से दूर करने की कृपा कर। ये प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।